हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर जो इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो वो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। दैट इज़ मेयर इक्वेशन। जब कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पूछ दिए जाएंगे व्हाट इज़ मेयर इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाई CP इज़ ग्रेटर देन CV। दो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छे लेवल एग्ज़ाम का, ठीक है। ISRO, BARC, DRDO, इस तरीके के जहाँ भी इंटरव्यू मेनली होता है तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत काम आएगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं और बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप दिल खोल के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, आंसर लिखते हैं पहला क्वेश्चन का, मेयर्स इक्वेशन। तो मेयर्स इक्वेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, दैट इज कॉल्ड मेयर्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन, ठीक है। और इसी इक्वेशन के अंदर हमेशा बोला जाता है कि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यह चीज़ पूछ लिया जाता है अक्सर इंटरव्यू में, तो आपको यह चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि CP होता क्या है, तो यहाँ पे अब मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। एंड CV क्या होता है, तो भी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये चीज़ अच्छे से याद रखना। दूसरी बात, क्या अब इसमें CP ग्रेटर देन लेस देन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है ना। तो इसको आप समझते हैं, देखिए जैसे बात आती है CP की, दैट मीन्स सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स अगर देखें तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल W प्लस DU। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल W प्लस DU। ये लिखने के पीछे रीज़न क्या है कि डेल क्यू क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और डेल W ये भी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दैट मीन्स इसको कम्प्लीटली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन डायरेक्ट इन डिफरेंशियल, ठीक है। और ये डायरेक्ट डिफरेंशियल है, आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। यह चीज़ है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल W को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P इंटू DV, ये लिख सकते हैं ना, और प्लस DU को लिख सकते हैं MCV dT। ये दो चीज़ तो लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को अच्छे से याद रखो दिमाग में, और उसके बाद हम लोग इस चीज़ के ऊपर आते हैं। देखो जैसे ही हम लोग कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, CP की बात करें, तो ये क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उस जगह पे जैसे ही CP की बात करें और इस इक्वेशन की तरफ एक बार नज़र डाल के देखें, तो यहाँ पे प्रेशर एक जगह आ रहा है जो कि P है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं, डायरेक्ट P। दैट मीन्स यहाँ पे जब भी इस इक्वेशन का अप्लाई करेंगे उस जगह पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। और जैसे ही आप सिंपल मान के चलो कि एक कंटेनर यहाँ पे रखा हुआ है, सिंपल एक कंटेनर इस यहाँ पे रखा हुआ है, इसको किसी भी हो हीट सोर्स से इसको गर्म कर रहे हैं, और गर्म कर रहे हैं क्या चीज़, इसके अंदर रखा हुआ है गैस, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, गैस। और जब इस गैस को नीचे से हीटअप करेंगे, हीट देंगे इस गैस के अंदर, तो इसका एक तो वर्क डन इसका समथिंग मिलेगा PdV, जो कि क्या होगा PdV, एंड साथ ही साथ इसका इंटरनल एनर्जी भी कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर होगा, दैट इज़ MCV dT, ठीक है, MCV dT। और दोनों चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है जब हम लोग प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन को सिंपल आप मान के चलो Z इज इक्वल टू X प्लस Y, ये मान के चलो जब हम लोग
कांस्टेंट प्रेशर पे रख रहे हैं तो सीपी पे रख रहे हैं तो देखना अभी अच्छे से समझ आएगा। सीपी पे रख रहे हैं तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मिल रहा है, जेड इसको मान रहे हैं क्यू को और इसको एक्स इसको वाई मान रहे हैं। अब चलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के तरफ, तो सिंपल वही कंटेनर रखा हुआ है, वही गैस है और इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको हीट करेंगे। जैसे ही इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करेंगे तो इसके अंदर जो वर्क डन मिल रहा था, वर्क डन बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस के बीच में आप जानते हैं कि क्या होता है, वर्क डन जीरो हो जाता है, क्योंकि डी वी कहने का मतलब वी टू माइनस वी वन और यहाँ पे भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन जब सी वी कांस्टेंट रहेगा तो फिर जेड इज इक्वल टू क्या रिलेशन बनेगा, जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस वाई, जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस वाई ये कब बनेगा, जब सी वी आपका रहे तो, दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर करें तो, दैट मीन्स यहाँ पे आता है जेड इज इक्वल टू नॉर्मली वाई, जेड इज इक्वल टू वाई। तो सिंपल समझो, अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है और जेड इज इक्वल टू सिंपल वाई है, दैट मीन्स इसको अगर जेड वन मान लें, इसको जेड टू मान लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड वन इज ग्रेटर देन जेड टू, जेड वन इज ग्रेटर देन जेड टू, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब यहीं से आ रहा है कि जेड वन ग्रेटर देन जेड टू, दैट मीन्स यही सी पी हो जाएगा हमारा, इसको बोलेंगे सी पी सी पी और इसको बोलेंगे सी वी। दैट मीन्स यहीं से प्रूफ होता है कि सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।